तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रा, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हमारे पबजी मोबाइल के अंदर आ चुका है एक ब्रांड न्यू इवेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी इवेंट को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर से एक लाइक कर देना वीडियो को। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा मिस ना करो। तो चलिए ज्यादा न करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्लैशबैक। दोस्तों दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने एक अचीवमेंट के बारे में बात किया था कि आपको बस 21 तारीख के अंदर लॉगिन करना है तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो सिंपली आज है 21 तारीख, तो आज मैं लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो रिवॉर्ड आ चुका है, मेरा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ये अचीवमेंट है। एंड मैंने पिछले साल भी लॉगिन किया था तो मुझे फर्स्ट रिवॉर्ड मिल गया था। एंड इस साल 21 तारीख को मैंने लॉगिन कर लिया है आज के दिन, तो मुझे मिल चुका है इसका सेकंड रिवॉर्ड जो कि है एक परमानेंट आउटफिट। एंड 20 अचीवमेंट पॉइंट्स भी मुझे मिल गया है। एंड इसके बाद जो थर्ड रिवॉर्ड है एक परमानेंट टाइटल है, ये मुझे नेक्स्ट ईयर 21 तारीख को मिलेगा। तो ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट है 3 सालों का। तो ऑलरेडी मेरा 2 कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोगों ने अभी तक आउटफिट कलेक्ट नहीं किया फटाफट जाओ कलेक्ट कर लो, फ्री में आउटफिट मिल रहा है। ये है आउटफिट, देख पा रहे ठीक ठाक सा ये आउटफिट है, फ्री में मिल रहा है तो ले लो। तो अभी आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर, तो चलते हैं सीधा इवेंट सेक्शन के अंदर। एंड ये जो थर्ड एनिवर्सरी बेक ऑफ इवेंट है ये चलने वाला है आज से लेके, मतलब 21 तारीख से लेके ये चलने वाला है 1 तारीख तक। तो ज़्यादा दिनों का ये इवेंट नहीं है तो फटाफट से आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कैसे आपको कंप्लीट करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर केक बनाना है। तो केक बनाने के लिए पबजी मोबाइल ने हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अंडा है, बटर है, मैदा है, सिरप है। तो ऑलरेडी देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ कुछ आइटम पहले से ही है। ये मुझे कैसे मिला, तो यहाँ पर कुछ मिशन है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको यहाँ से इंग्रीडियंट्स मिलेंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहला वाला मिशन था एड 3 फ्रेंड्स का, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मुझे यहाँ पर 1 अंडा मिल चुका है, 2 बटर मिल चुका है एंड 3 सिरप मिल चुका है। एंड और एक देख पा रहे हैं मिशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपको बेसिकली गिफ्ट अपना फ्रेंड को सेंड करना है। तो यहां पर मैंने सेंड कर दिया है, तो यहां पर देख पा रहे कलेक्ट कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे और भी इंग्रेडिएंट्स मुझे मिल चुका है, जैसे कि 1 मैदा मिला है, 1 सिरप मिला है, 1 अंडा मिला है, 2 बटर मिला है और 1 अंडा मिला है। तो यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझे मिल चुका है। इसी तरीके से आपको और भी 3 यहाँ पर मिशन है जिसको आपको कंप्लीट करना है। एंड सिंपली आप यहाँ से जो इंग्रीडियंट्स है उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपका यह है मिशन कंप्लीट करना एंड इंग्रीडियंट्स कलेक्ट करना है। दोस्तों आपने इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लिया, फिर देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पर 3 ओवन्स है। पहला ओवन ऑलरेडी अनलॉक है एंड 2 और ओवन्स है जिसको अनलॉक करने के लिए आपको क्लासिक मोड के मैचेस खेलना पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट बेकिंग के ऑप्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर एक रेसिपी पबजी मोबाइल की ओर से पहले से ही दिया गया है, तो यहाँ पर यूज़ रेसिपी का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं यूज़ रेसिपी कर देता हूँ। देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली सारे कुछ सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी सिंपली मैं यहाँ पर अगर बेक कर देता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक टाइमर आ चुका है, देख पा रहे होंगे 59 मिनट का, मतलब 1 घंटा लगता है एक केक बनने में। तो यहाँ पर मैं स्पीड अप कर देता हूँ इसको 20 AG करेंसी से। एंड यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है, बस आपको अभी कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक केक मेरा आ चुका है। तो यहाँ पर तो एक केक मेरा काउंट हो चुका है, देख पा रहे होंगे ऊपर के साइड भी एक केक दिखा रहा है। एंड इस केक के साइड में देख पा रहे होंगे एक ब्रोकन केक है, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद है। तो इसका क्या यूज़ है ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर मैं इवेंट शॉप के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देख पाऊंगे सारे के सारे आइटम्स है। तो यहाँ पर केक देख के आप नॉर्मली ये सारे आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे आइटम्स है। एंड नीचे एक और आइटम आप देख पा रहे होंगे जिसके लिए आपको 5 ब्रोकन केक का ज़रूरत पड़ेगा, एंड ये 28 बार आप कलेक्ट कर सकते हो। तो यही है मेन चीज़ जो कि आपको अलग अलग रेसिपी अनलॉक करके देखा। तो ये कार्ड को आपको कलेक्ट करना है तभी जाके आप जो नया नया रेसिपी है उसको अनलॉक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बेकिंग के अंदर जाके आपको जो आपके मर्जी है उस हिसाब से आपको केक को बेक करना पड़ेगा, मतलब केक को वेस्ट करना पड़ेगा तभी जाके आप उस कार्ड को परचेस कर सकते हो। तो एक मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक नॉर्मल मैं 1 अंडा सिलेक्ट करता हूँ, 1 सिरप सिलेक्ट करता हूँ एंड 1 बटर सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बेक कर देता हूँ, तो देख पाएंगे स्पीड अप कर देता हूँ मैं अभी 20 AG करेंसी से। तो यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा केक ब्रोकन हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा गया है समथिंग वेंट रॉन्ग, ओनली स्क्रैप आर लेफ्ट। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 मुझे ब्रोकन केक मिल चुका है। एंड और अगर 2 मुझे मिल जाते तो यहाँ से मैं जो ये सेकंड रेसिपी है उसको मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी भी मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है, तो और एक केक मैं ख़राब करके यहाँ पर देखता हूँ। तो स्टार्ट बेकिंग के ऑप्शन में चलते हैं, नॉर्मल सा कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं, 1 अंडा सिलेक्ट करते हैं, 1 सिरप सिलेक्ट करते हैं एंड 1
बटर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर यूज़ कर देते हैं एंड फिर स्पीड अप कर देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे केक हमारा कलेक्ट हो चुका है, पर इस बार भी ब्रोकन केक आया है, वो भी तीन मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर देख पा रहे तीन मुझे ब्रोकन केक मिला था पहली बार एंड दूसरी बार भी तीन मिला है, तो छः मेरे पास हो चुका है ब्रोकन केक। तो अभी अगर मैं जाता हूँ इवेंट शॉप के अंदर तो यहाँ पर देख पा रहे ये कार्ड मेरा अनलॉक हो चुका है। तो सिंपली मैं पाँच यहाँ पर परचेस कर लेता हूँ एंड इस कार्ड को परचेस करने के बाद अगर मैं रेसिपी बुक में जाता हूँ तो देख पा रहे यहाँ पर मेरा सेकेंड रेसिपी अनलॉक हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको रेसिपी को अनलॉक करना पड़ेगा केक वेस्ट करके, तभी जाके आप रेसिपी अनलॉक कर सकते हो। एंड रेसिपी अनलॉक करने का फायदा क्या है, यहाँ पर देख पा रहे नीचे के साइड कुछ रिवॉर्ड्स है, देख पा रहे पाँच बार अगर रेसिपी आप अनलॉक करते हो तो आपको मिलेगा सप्लाई क्रेट कूपन, अगर आप 15 बार रेसिपी अनलॉक करते हो तो आपको मिलेगा क्लासिक क्रेट कूपन स्क्रैप्स, एंड अगर आप 25 बार रेसिपी अनलॉक कर लेते हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक परमानेंट टी शर्ट एंड इसका पैंट आपको मिलेगा यहाँ पर देख पा रहे इवेंट शॉप के अंदर, यहाँ पर इसका पैंट है जिसको आपको केक देके परचेस करना है। तो ओवरऑल एक पूरा का पूरा सेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल इवेंट है, सबसे पहले तो आपको मिशंस कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जो इंग्रेडिएंट्स मिलेगा उससे स्टार्ट बेकिंग के अंदर जाके रेसिपी देख के वहाँ पर बेसिकली आपको इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके केक बनाना है। एंड अगर आपके पास रेसिपी नहीं है रेसिपी अनलॉक करने के लिए, जैसे मैंने बताया केक को आपको वेस्ट करना पड़ेगा, फिर कार्ड्स को परचेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका रेसिपी अनलॉक होगा। एंड रिवॉर्ड के मामले में यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेट आपको मिलने वाला है, सबसे पहले तो ये मिल जाएगा आपको गोल्ड मेट्रो शर्ट एंड इसका जो पैंट है ये आपको केक देके परचेस करना पड़ेगा, एंड इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा 60 केक्स का, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा गोल्ड मेट्रो पैंट्स। एंड उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि देख पा रहे क्लासिक क्रेट कूपन्स कैप भी है, एक टेम्पररी आउटफिट भी है, उसके बाद यहाँ पर पॉपुलरिटीज़ भी है, तो जो मर्जी आप ले सकते हो। अगर आपको परमानेंट एक ओवरऑल सेट चाहिए तो आप इस इवेंट को खेल सकते हो। काफ़ी सिंपल इवेंट है, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। एंड आज का जो आउटफिट मिल रहा है इसको भी कलेक्ट कर लेना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पे जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा है ज़रूर से एक लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि सब कोई अपना खुद का केक बना पाए एंड इवेंट को खेल पाए। एंड अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है rp_information। तो चलिए फिर मैं तो और एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।